करना चाहिए, इस गोविंद का चिंतन करना चाहिए महाराज। और सुख दुख हमारे जीवन में महाराज आते रहेंगे, क्योंकि किस समय पड़े नर क्या करे, और समय समय के बाद, और किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय के रात। जिस तरीके से कभी रात बड़ी हो जाती है महाराज, दिन छोटा हो जाता है, और दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात छोटी हो जाती है, इसी तरीके से ही हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। व्यक्ति सोचे कि भाई मेरे जीवन में सुख रहे तो सुख व्यक्ति के जीवन में रह नहीं सकता महाराज, दुख भी आएगा उसके जीवन में। जैसा हम कर्म करेंगे उसके आधार पर हमको फल की प्राप्ति होगी। आपने सुनो का एक प्रसिद्ध कथा आती है कि एक व्यक्ति था महाराज, और बड़ा ही कंजूस था उसके, उसने अपने जीवन में एक रुपया दान नहीं दिया। गांव के लोगों ने कहा कि भले आदमी तेरा बुढ़ापा आ गया, शरीर कब छूट जाए कोई पता नहीं, तेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो भले आदमी थोड़ा बहुत दान कर ले। जब लोगों ने ज्यादा अनुग्रह किया ना, तो उसके मन में विचार आया कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा सा दान कर लेता हूँ। तो उसने पता क्या किया, संदूक खोली और खोल करके एक चांदी का सिक्का लिया, और शनिवार का दिन था महाराज, और सिक्के को मुट्ठी में दबा करके, और वो पता है हनुमान जी के मंदिर पर दान करने के लिए चला। और वहां देखा तो लाइन लगी थी महाराज बालाजी के मंदिर पर, शनिवार का दिन लाइन में खड़ा हो गया, और इस तरीके से मुट्ठी बंद कर ली महाराज उसने। अब जैसे ही धीरे धीरे नंबर उसका आया ना, और जैसे उस सिक्के को दान करने के लिए तैयार हुआ, मुट्ठी खोल करके, तो पता है सिक्का गीला हो गया था। हम हाथ में कोई भी वस्तु लेने इस तरीके से दबा लेंगे ना, तो पसीना से गीली हो जाती है महाराज। अब वो सिक्का गीला हो गया, और पता है उसने क्या सोचा कि आज ये मेरे से दूर हो रहा है ना, ये रो रहा है, ये मेरे से दूर होना नहीं चाहता। तो उसने उस सिक्के को वापस लिया, लेकर के पुणे आ गया हमारा। कहते हैं ना, चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी ना जाए महाराज। अब वही कलयुग भक्त जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास पहुंचा और कहने लगा कि एक काम करो महाराज, मेरे को ऐसी भक्ति बताओ कि भगवान के दर्शन हो जाए और एक रुपया खर्च ना हो। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उसे मन से भक्ति बता दी कि देख भाई, मन से तेरे को रोजाना भक्ति करनी है। कि वो कैसे, कि पहले दिन आसन पर बैठ जाना और मन से कहना कि गोविंद को स्नान करा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, चंदन स्वरूप कर रहा हूँ, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ। ये मन से आप रोजाना करोगे, पहले दिन आपको 5 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 15 मिनट, चौथे दिन 20 मिनट, और 5वें दिन आपको गोविंद के दर्शन हो जाएंगे। बस कहा, अब वो आया बेचारा घर, घर आकर के उसने यानी मन से पूजा करना प्रारंभ कर दिया महाराज। रोजाना मन से पूजा करे, और जब वो चौथे 5वें दिन जब मन से पूजा कर रहा था ना, तो भगवान को मन से जगाने लगा कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद और उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज कि उत्तिष्ठ कमलाकांत और त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो सुबह हो गया, अब तो आप जाग जाए, भगवान को जगाने लगा मन से। मन से स्नान कराया महाराज, गंगा जल से, शुद्ध जल से वस्त्र पहनाए, और रोजाना मन से दूध का भोग लगाता, और कहते ही आज उसने सारी क्रिया करने के बाद मन से, और मन से जब भोग लगाने लगा ना दूध का, तो और दिन तो एक चम्मच डालता महाराज दूध में मन से। अब आज उससे पता है क्या हो गया कि मन से 2 चम्मच दूध यानी चीनी ज्यादा डलेगी दूध में, और दिन 1 चम्मच डालता, लेकिन आज मन से 2 चम्मच हो गए। अब मन से कहने लगा, प्रभु रोजाना 1 डालता हूँ और आज 2 डल गई, अभी तो शायद घुली भी नहीं होगी, एक काम करता हूँ, 1 को निकाल लेता हूँ, अब कल 1 यानी कल के काम आ जाएगी। और जैसे उसने हाथ आगे बढ़ाया ना, तो उसी समय भगवान ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा कि एक बात बता, भले आदमी तू मन से पूजा कर रहा है, वो तेरा मन से गया क्या, बता तो सही। उस व्यक्ति ने कहा कि एक बात बताओ प्रभु, आप चीनी से यानी प्रसन्न होते हो कि नहीं? मैं चीनी से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो व्यक्ति के भाव से, प्रेम से यानी प्रसन्न होता हूं।
और जिधर तुम दृष्टि डालोगे ना, अगर आपका मन होगा, भाव होगा, तो मैं आपको उधर ही आपको नजर आऊंगा। और उत्तम भक्त मेरा वही है कि अहम सर्वेश भूतेषु, भगवान कहने लगे कि उत्तम भक्त मेरा वही है कि अहम सर्वेश भूतेषु और भूतां अवस्थितः और तम वज्ञायमाम मर्त्य और कुरते च विडम्बनम्। अहम सर्वेश भूतेषु, यानी उत्तम भक्त मेरा वही है कि जो कण कण के अंदर परमात्मा का दर्शन करे, वही मेरा उत्तम भक्त है। एक प्रसंग याद आ गया कि एकनाथ जी महाराज थे। एकनाथ जी महाराज ने मन में सोचा कि संसार के लोग पता है गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और वहां से कावड़ भर भर के लाते हैं और रामेश्वर भगवान को चढ़ाते हैं। एकनाथ जी ने मन में विचार किया कि हम भी जाएंगे, गंगा स्नान करके आएंगे और गंगा जल ला करके और रामेश्वर को गंगा जल चढ़ाएंगे। एकनाथ जी महाराज गए, महाराज पैदल पैदल 6 महीने पहुंचने में लगे। अब उधर से गंगा स्नान किया, स्नान करने के बाद कमंडल में गंगा जल ले लिया और उधर से महाराज पैदल पैदल चलते आ रहे, कहीं भी नहीं रुके महाराज। और जैसे ही रामेश्वर भगवान के पास पहुंचने वाले थे, पता है 5 किलोमीटर दूर से और रामेश्वर भगवान के मंदिर का शिखर दिखाई देने लगा। तो एकनाथ जी ने मन में सोचा कि अब एक कार्य करता हूं कि अब तो मैं आ गया और थोड़ा सा आराम कर लूं और थोड़ी देर के बाद ये गंगा जल में रामेश्वर भगवान को चढ़ा दूंगा। जैसे ही आराम करने के लिए बैठे ना, तो उनके सामने एक घोड़ा यानी एक गधा प्यास से व्याकुल था, महाराज प्यास से तड़प रहा था। एकनाथ जी ने देखा कि अगर इसे जलपान नहीं किया तो ये मर जाएगा। एकनाथ जी खड़े होकर के गए और जो कमंडल में गंगा जल था ना, गधे के मुख में जैसे ही गंगा जल डाला है ना, तो उनके मुख से 2 शब्द निकल गए कि लो रामेश्वर भगवान, मैं तुम्हें गंगा जल चढ़ाता। तो उसी गधे के अंदर रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए महाराज। पीसिया राम में सब जग जाने, पीसिया राम में सब जग राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग भाने, करो प्रणाम जोर जोर जानी। तो भगवान कपिल कहते हैं इधर माता देवती से कि देखो माँ, उत्तम भक्त वही है कि सब जगह परमात्मा का दर्शन करे। और देखिए, अगर भगवान की भक्ति करनी है माँ, तो सबसे पहले नवदा भक्ति का वर्णन किया और बड़ा सुंदर वर्णन किया कपिल भगवान ने कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति कर संतन संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति कर संतन संगा, दूसरी गति मम कथा संगा, दूसरी गति मम कथा गिरजा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुड़ गड़े करे कपट तजगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। सिया राम जय जय राम, सिया राम
सिया राम जय जय राम। छोटे दम सीरा बिरत बहु करमा, बिरत निरंतर सचन धरवा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सप्तम संग में मैं मोह देखा, सप्तम संग में मैं मोह देखा। मोह से अधिक संद कर ले सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम, सिया राम जय जय राम। आठ यथा लाभ संतोषा, अपने नहीं दे के पर दोसा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम, सिया राम जय जय राम। नवम सरल सब सल चढ़ीरा, मम भरोसा हरि सन दे। सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल गारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहार। सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम, सिया राम जय जय राम। इधर कपिल भगवान ने नर्मदा भक्ति का आज्ञा